बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। तो प्यारे प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग? आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए ज़बरदस्त मज़ेदार हलीम की रेसिपी। ये देखें गाइस, माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त और यमी लग रहा है। ये लग नहीं रहा है कि हमने घर में बनाया है। माशाल्लाह से आप इसकी लुक देखें, और ये बहुत आसानी के साथ घर में बन जाता है। चले तो गाइस रेसिपी की तरफ चलते हैं। मैं आपको बताती हूँ कि हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए। सबसे पहले हम दालें नोट कर लेते हैं, हमें कौन कौन सी दालें चाहिए इसमें। देखें, आधा कप मैंने चने की दाल ली है, अच्छे से मैंने बीन लिया है इनको। आधा कप मैंने मूंग की दाल ली है, आधा कप मैंने माश की दाल ली है, आधा कप ही मैंने चावल लिए हैं, जौ का दलिया भी मैंने आधा कप लिया है, और एक कप मैंने गंदम ली है, और आधा कप मैंने मसूर की दाल ली है। इन सबको हम अच्छी तरीके से 2-3 पानी से धोकर और इसको भिगो देंगे तकरीबन 4 घंटे के लिए। आप ओवरनाइट भी भिगो सकते हैं इसको। ये सब दालें मैं इसमें अच्छे से मिक्स कर लूंगी। गाइस ये बहुत मजे का बनता है, आप इसको जरूर ट्राई करिएगा। और घर में इतना मजेदार हलीम बन जाता है ये। देखें, सब दालें मैंने मिक्स कर दी हैं इसमें। अब मैं इसको अच्छे से 2-3 पानी से धो लूंगी और फिर मैं इसको भिगो दूंगी पानी डालकर। देखें, मैंने धो लिए अच्छी तरीके से। इसमें मैं सिर्फ और सिर्फ 1 चम्मच हल्दी डालूंगी और इसको मैं रख दूंगी तकरीबन 4 घंटे के लिए। ये अच्छे से फूल जाएंगी, फिर हम इसको बॉईल करेंगे। अच्छी तरीके से आप मिक्स कर दें हल्दी इसमें, उसको रख दें ढककर। देखें गाइस, बहुत आसानी के साथ हम बना लेंगे ये हलीम, और बहुत ज्यादा बन जाता है घर में तो। इतना जबरदस्त बनता है ये हलीम। देखें, दालें मैंने भिगो दी हैं, इसको तकरीबन 4 घंटे हो गए हैं। अब मैं इसको बॉईल करने के लिए रख दूंगी। कोई नमक नहीं डाला है मैंने, सिर्फ और सिर्फ हल्दी डाली है इसमें। चलें तो हम इसके कोरमा तैयार कर लेते हैं। 1 किलो मैंने गोश्त लिया है। देखें, बड़े साइज की मैंने बोटियां ली हैं। इस तरह से मैंने बोनलेस है, इसमें हड्डी वाला नहीं है ये। 2 चम्मच मैंने अदरक लहसुन पेस्ट लिया है। थोड़ा सा मैंने गरम मसाला लिया है, तकरीबन आधा चम्मच। आधा चम्मच मैंने नमक लिया है इसमें। 1 चम्मच मैंने लिया है इसमें पिसा हुआ धनिया, पिसी हुई लाल मिर्च 1 चम्मच, 1 चम्मच हल्दी ली है, 1.5 चम्मच मैंने कश्मीरी लाल मिर्चें ली हैं, और आधा चम्मच जीरा लिया है, और ये लिए हैं मैंने प्याज तकरीबन 4 अदद, थोड़े से मैंने लिए हैं ये तेज पात के पत्ते। ये देखें, दाल हमारी बॉयल होनी शुरू हो गई है अच्छे से। जब तक ये हो रही है, हम कोरमा तैयार कर लेते हैं। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं, कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये देखें, मैंने प्याज डाल दी है, तकरीबन मैंने 1 चम्मच इसमें नमक डाला है प्याज में भी, वो मसाले में जो है वो अलग है, और 1 चम्मच मैंने इसमें प्याज में भी डाला है। इसको हम अच्छे से ब्राउन कर लेंगे। ब्राउन करके हम आधी प्याज निकाल लेंगे इसकी। ये देखें, मैंने आधी प्याज निकाल ली है। अब हम उसमें गोश्त ऐड कर देंगे। ये देखें, मैंने गोश्त ऐड कर दिया इसमें। इसका हम थोड़ा सा कलर चेंज करेंगे। अदरक लहसुन पेस्ट भी मैं इसमें ऐड कर दूंगी। इसको हम अच्छे से भूनेंगे, अच्छे से खुशबू आने लगे इसमें। अब मैं इसमें मसाले भी ऐड कर दूंगी, साथ जितने भी मसाले हैं हमारे वो सब ऐड कर दूंगी मैं इसमें। अच्छे से हम इसको भूनेंगे, बहुत अच्छी तरीके से इसकी खुशबू आने लगे। इसमें मैंने दही भी ऐड करी थी आधा कप, वो मैं दिखाना भूल गई हूँ। आधा कप तकरीबन मैंने इसमें दही ऐड करी है। अब मैं तकरीबन 3 गिलास इसमें पानी ऐड कर दिया, और मैं इसको गलने के लिए रख दूंगी गोश्त को। तकरीबन 3 घंटे आप इसको अच्छे से गला लें, क्योंकि हमें इसकी बोटियों का रेशा करना है, तो हमें अच्छे सा गला हुआ गोश्त चाहिए बिल्कुल। ये देखें गाइस, गोश्त हमारा हाफ डन हो चुका है। अब मैं इसमें जो प्याज हमने ब्राउन निकाली हुई थी, मैं थोड़ी सी इसमें और ऐड करूंगी, और थोड़ी सी हम बचा लेंगे। देखें, मैंने प्याज इसमें ऐड कर दी है। मैं इसको ढक के तकरीबन 1 घंटा और पकाऊंगी, ताकि गोश्त हमारा अच्छे से गल जाए और मैश करने में हमें प्रॉब्लम ना हो। दालें भी हमारी तकरीबन गल चुकी हैं। ये देखें, गोश्त हमारा बिल्कुल रेडी है माशाल्लाह से। अब मैं इसकी बोटियां अलग करके इसका रेशा कर लूंगी, बाकी जो शोरबा है वो मैं दालों में मिला लूंगी। ये देखें, बिल्कुल जबरदस्त गल चुका है गोश्त हमारा। ये सब मैं एक बॉल में अलग कर लूंगी, गोश्त निकाल दूंगी मैं। ये देखें गाइस, ये सारा मैंने अलग कर लिया। इसको अच्छे से मैं रेशे कर लूंगी। इसको पीसना नहीं है बिल्कुल भी, दालों को हम पीस लेंगे।
देखें अच्छे अच्छे तरीके से आप इसको बिल्कुल अलग अलग कर लें बोटियों को। ये देखें दालें मैंने पीस ली हैं, इसमें हल्का सा आप घोटा भी लगा लें हाथ से, वो जो वो इसका शोरबा बचा है इसका कोरमे का, वो भी मैं इसमें ऐड कर दूंगी और अच्छी तरीके से मिक्स करूंगी मैं इसको। ये देखें ये सब मैंने इसमें ऐड कर दिया है, और जो गोश्त हमने पीस के रखा है वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे। ये देखें गाइस बहुत झटपट बन जाता है, बहुत मज़े का बनता है, आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे बताइएगा कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी। अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। देखें गाइस कितनी आसानी के साथ हमने इतना सारा हलीम बना लिया है, ये बिल्कुल नहीं लगेगा कि आपने घर में बनाया है, इतना टेस्टी इतना मज़ेदार बनता है ये। माशाल्लाह देखें ज़बरदस्त कितना अच्छा रेशा बना है इसमें, ये देखें माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त हलीम तैयार हुआ है हमारा। मैं आपको दिखाती हूँ इसकी फाइनल।